दोस्तों, आज सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं खंदारी से सिकंदरा की ओर जाने वाली नेशनल हाईवे की रोड पर, जहां पर कि खंदारी से लेकर सिकंदरा तक का एलिवेटेड ट्रैक बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस काम का जो टेंडर है सीगाल कंपनी को मिला है, जो कि नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है और अभी भी कर रही है। मेट्रो के क्षेत्र में ये इनका पहला टेंडर है। लगभग 3.25 किलोमीटर के लंबे एलिवेटेड ट्रैक को बनाने के लिए इन्हें 2 साल का समय दिया गया है। अब आप लोग जो इनका टेंडर का अप्रूवल लेटर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग चल रहे हैं RBS कॉलेज की रैंप की ओर, जो RBS कॉलेज के अंडरग्राउंड टनल से होती हुई यहाँ पर खंदारी तक आई है। यहाँ पर रैंप बनाई जाएगी, रैंप बनाकर फिर इस सिकंदरा वाले एलिवेटेड ट्रैक को यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। ये देखिए, ये जो है आप अंदर की ओर देखेंगे RBS कॉलेज से होती हुई जो अंडरग्राउंड टनल है यहाँ तक आई है और बनकर ये पूरी भी हो चुकी है। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे तो मैं आपको वो टनल भी दिखाऊंगा। और ये आप लोग लेफ्ट हैंड साइड की ओर देख रहे हैं, ये पाइप वगैरह जो सीगल कंपनी को जो टेंडर मिला है, इन लोगों को मेट्रो के काम के साथ साथ और सिविक एनिमेटिस का जो वर्क होता है वो भी करना है, जैसे टॉयलेट, बाथरूम, पाइपलाइन पानी के लिए, ये सब भी इनको कंप्लीट करना है। तो ये उसी के लिए ये पाइपलाइन जो है इन लोगों के द्वारा बिछाई जा रही है। और ये अभी आप लोगों को अंदर की तरफ से थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन ग्रीन होल्डिंग लगी है, इसके अंदर ये पूरा अभी साफ करके क्लीनिंग करके क्लीन करके तब यहाँ पर पिलर वगैरह बनाएंगे। यहाँ तक तो इनके अंडरग्राउंड टनल आएगी, रैंप बनाया जाएगा। अभी ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा ये अंदर की तरफ देखेंगे तो अंडरग्राउंड टनल दिखाई देगी। ये देख रहे हैं सामने, ये अंडरग्राउंड टनल है जो कि RBS कॉलेज से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। इसके बाद ये लोग अपनी रैंप बना के इस एलिवेटेड ट्रैक को कनेक्ट करेंगे। अभी हम दोबारा बाहर की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चल कर आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या था कि आगरा मेट्रो वालों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी से यहाँ पर काम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना था, जो कि इन्होंने एप्लीकेशन डाली हुई थी, लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन के फाइनल होने से पहले ही काम शुरू कर दिया था। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो मथुरा डिवीज़न का ऑफिस है, जहाँ से कि इनकी ये जो NOC बन के आती है, वहाँ से कुछ लोग आए थे और पहले यहाँ पर 3 ड्रिलिंग मशीन लगाई गई थी, तो उन्होंने ये काम रुकवा दिया था। अभी भी यहाँ पर कोई ड्रिल मशीन नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ दिनों में इनकी NOC फाइनल हो जाए तो यहाँ पर काम पूरी गति से शुरू हो जाएगा। ये राइट साइड की ओर आप लोग देख सकते हैं खंदारी का ये ओवरब्रिज है। पूरे 2 साल तक यहाँ पर काम चलेगा, तो आप लोग ध्यान रखें, कभी भी आप सर्विस लेन से यहाँ पर आए तो अवॉइड ही करें, क्योंकि आप लोगों को अक्सर यहाँ पर जाम देखने को मिलेगा। ये देखिए अंदर की, और ये देख रहे हैं ये इनका फर्स्ट पिलर है, ये इन लोगों ने पहले बना दिया था। और इसके फर्स्ट पिलर तक जो है वो रैंप बनाई जाएगी, फिर इस एलिवेटेड ट्रैक को कनेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेशन बनेंगे वो बनेगा खंदारी पर, फिर उसके बाद गुरु का ताल पर, फिर ISBT पर, फिर सिकंदरा पर। ये स्टेशन जो है एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। और इस पूरे काम को करने के लिए सीगल कंपनी को 2 साल का समय दिया गया है। ये देखिए, एक दूसरा सेकंड पिलर है, ये अभी यहाँ पर आगरा मेट्रो के लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो करने के लिए आए हुए हैं।
और ये था आगरा मेट्रो का आज का वीडियो, और आशा है आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और बेहतर वीडियो ला सकूं, और आपका मोटिवेशन ही मुझे इसके लिए प्रेरित करेगा।